नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पिछले 50 साल से वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, और मुल्की और गैर मुल्की बहुत सारे दौरे कर चुके हैं। और मैडम नूरजहां के साथ उन्होंने स्टार्ट लिया और उसके बाद उनके साथ काफ़ी काम किया, और फिर हमारे जो लाला जी हैं अताउल्लाह इसहाक एलवी साहब, उनके साथ बहुत काम किया और अब तक कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस शोबे की तरफ आए, और चले बाकी बातें उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे आना हुआ इस शोबे की तरफ, कैसे स्टार्ट लिया, किससे इम्प्रेस हुए, वो क्यों आए? मेरे ये विरसे में आ रहा है, मेरे वालिद साहब बंसरी नवाज थे, अच्छा, रेडियो पाकिस्तान में। फिर मेरे दादाजी वो एशियन मौसीकी और गोरों की जो न्यूट्रिशन वो उन्होंने, फिर मेरे परदादा जी जो थे वो भी इसी शोबे से वापस जी, वो गायक थे, अच्छा, क्लासिकल गाते थे। मेरा नस्ल दर तो नस्ल का कोई स्पेसिफिक नाम है जी? ग्वालियर। ग्वालियर, यस। अच्छा अच्छा, नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, मौसीकार हैं साबिर अली साहब, ये उनके भाई हैं। तो आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? वो मेरे बड़े भाई। अच्छा, वो बड़े भाई। अच्छा सर, ये कोई इसके स्पेशल वो होते हैं लकड़ी जो होती है इसकी? जी जी जी। या कोई भी आपको दे दी जाए तो आपके लिए ईजीली होता है? नहीं, ये असल में बाँस की बांसुरी होती है। ठीक है, और भी किसी चीज़ की होती है? होने को तो आप मुझे पीवीसी पाइप दे दें, मैं आपको 5 मिनट में बांसुरी बना कर बजा कर दिखा दूँगा। अच्छा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि निकलते नहीं, उसमें कुछ स्टील का पाइप हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो, वो उसके अंदर ये इंसान की भाप जो है ना बजाने से, इसके अंदर भाप जाती है। अच्छा। जैसे हम शीशे पे फूंक मारते तो नमी सी नज़र आती, वो ये पी जाती है खुद। अच्छा, ये सक कर लेती है? ये बिल्कुल। ठीक है। तो स्टील हो या कोई पाइप, पीवीसी पाइप हो या कोई भी हो, उसमें अंदर पानी जमा हो जाता है। ठीक है, नमी आ जाती है। नमी आ जाती है, फिर वो सही सुर में, अच्छा, वो रुकावट बनता जी, रुकावट बनता है वो। फिर इसका इंतखाब आपने इसलिए किया लकड़ी का? ये बांस है। बांस, हाँ। तो ये आपको एक अरसे बाद आके पता चला कि ये ठीक है, या वो उस्ताद ये भी बता? नहीं, शुरू से मुझे पता था, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि ये बांस की बांसुरी होती है। अच्छा अच्छा सर, ये जो लोग बजाते हैं इसमें इतना दर्द होता है कि लड़कियां खींची चली जाती हैं, तो आपके साथ भी इस तरह होता था? नहीं, मैं तो, मेरे लिए यही लड़की थी। अच्छा, आपको इससे? मुझे इस, मैं, आप देखें मेरी कोई भी परफॉर्मेंस देख लें। नहीं सर, मैं पाकिस्तान मुतरफ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और आज जो हम आए हैं तो आपके नाम की वजह से हैं, आपके काम की वजह से हैं। थैंक यू, कि आपका एक बहुत बड़ा नाम है। Welcome, तो लड़की के हवाले से हम बात करें, तो इश्क हुआ किसी को आपसे या आपको किसी से? नहीं, मैंने ऐसी नज़र, मेरा 46 साल का अंकर हो रहा है। अच्छा, तो कोई धुन सुनाएंगे हमें अच्छी वाली? आप कोई फरमाइश कर दें। सर मेरे जो जहन में इस वक्त आ रही है वो है लाला जी की चंद कितना गुजारे ये रात में। जी जी, वो सुनाएं हमारी नाज़रीन को सर। इजाज़त है? हाँ जी। Oh
बहुत आला सर, वेरी नाइस। अच्छा सर, ये जो इतना अरसा बीच में गुजरा है, आप इसके थ्रो में कोई कमी आई है? आप समझते हैं कि अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं रही? नहीं जी, मुझे तो इजाफी ही लगता है कि मेरे इलम वही थ्रो है सब कुछ। जी जी बिल्कुल, वैसे ही सब जी, शुक्र। अच्छा सर, आपने लाला जी के साथ काफ़ी अरसा बिताया, बहुत सारी जवानी, उनके साथ कोई यादगार वाकया जो आपको अब तक नक्श है आपके जहन में? जी कोई एक हो तो बताओ, जिंदगी हमारी इकट्ठे गुजरी है, बहुत मुल्क से बाहर भी मुल्क के अंदर भी, हमारी ज़िंदगी जहाज़ों में, होटलों में, स्टेजों पे, गाड़ियों पे, सफ़र में, ऐसे ही गुजर गए। कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो अब तक आपको सोच के हंसी भी आती हो या दुख होता हो? नहीं, लाले की दुनिया फैन इतनी रही है, इतनी कोई शक नहीं कि एक आदमी 3 घंटे ऐसे सामने बैठकर सुन रहा है। अच्छा। तो जब लाला गा कर गया है तो ज़ाहर है उनको किसी कमरे में वो फिर सोटे खा रहे हैं देखने के लिए, हालांकि 3 घंटे वो सामने बैठकर सुना है, लेकिन जब फिर वो उठे हैं फिर वो कभी उधर से देख रहे हैं, कभी उधर से देख रहे हैं कभी, तो ये एक मोहब्बत है अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। जी सर, मैंने बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने जो इज्जतें दी हैं, बख्शी हैं, लेकिन जो लाला जी को मेरे ख्याल में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जी जी, शायद ही किसी और को मैंने देखा हो, बिल्कुल उनको बख्शी अल्लाह। बिल्कुल, देखें गाने में तो बड़ी बड़ी दुनिया हुई है, लेकिन लाला एक मौजदा तन अल्लाह ने उनको एक वखरा स्टाइल दिया कि जो उन्हीं को जचता है, हालांकि इस दौर में अब हर तीसरा आदमी उनको कॉपी कर रहा है। वो इंसान कैसे हैं सर? जी ये बात मैं उनसे तो पूछ नहीं सकता। जी जी, जी। आपके बहुत करीब है तो। जी जी, जी बड़े प्यारे इंसान हैं जी, मेरे भाई। अच्छा, हैं प्यार करने वाले, जी ख्याल रखने वाले। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंटरव्यू मैंने सुना था और वो आप लोगों के हवाले से बता रहे थे कि ये मेरे बच्चों की तरह है। जी 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 जी, तो बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये काफ़ी एक अरसा है इन्होंने मेरे साथ बिताया और अब तक जुड़े हुए, तो ये मेरी औलाद की तरह है। जी जी, अभी भी ये राय थी। बिल्कुल, अभी भी ये जो प्रोग्राम ईद पे हुआ है तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ सबसे पुराने साथी बैठे हुए हैं बाबर अली बांसुरी पे, तो रियली ऐसे ही हुआ कि इतना अरसा बीत गया पता नहीं चला कि यार। अच्छा सर, अपना कांटेक्ट नंबर बता दें ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपसे इजीली रابطہ कर सकें जो सीखने के ख्वाहिशमंद। जी जी, आएँ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट वो आएँ जिन्होंने बांसुरी बजानी है, जिन्होंने लोगों को तंग करना है वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, उनका भी होगा। चले नंबर बता दें। मैं नंबर मेरा 0300-41-43-1-38। जी नाज़रीन, बाबर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इनके साथ मीटिंग का, और जो बच्चे सीखने के ख्वाहिशमंद हैं इन्होंने रابطہ नंबर बता दिया, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।